कहेंगे सरदार साहब के भी हमारा अपना जो है ये वीर समाज का जो है धरोहर, इसको अपन सुरक्षित रखें और व्यवस्थित रखें, इसके ऊपर आप अपन क्या कर सकते हैं सर? अजय ने हमारे जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, वीर समाज का समिति सब मेंबर के अध्यक्ष, मैं नाम तो बना नहीं जान रहा, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु या स्त्री अमर सिंह मरण पत्र पर अमर सिंह जन्म स्थिति यही है, इस मंगरे में काजी रोटी कई जन्म जलमा या पोसी पर मतलब मेल बने हुए आज ही मौजूद है और एक 76 सड़क रोड साली है, 11 करोड़ घोषणा भी की, और 1.5 किलोमीटर 1 साली रुका हम, और ये छोटो मोटो 146 रुपये टू काम साल रुपये पास हम वाला पाठ पत्थर भी हम भी जाएंगे, ये हम ये कहना चाहूँ आप सहयोग हूँ और कई व्यवस्था में जो आपने हल्दी काटी है उसे जुड़ी जाए तो आपकी मेहरबानी में सब कार्य अध्यक्ष साहब रही और जिला अध्यक्ष साहब रही तो जुड़े कार्यक्रम आपने हल्दी काट विश्व भेजाते आज इतिहास में 9 अमर रहे राणा पुंजानी बनते हम आदिवासी भी लियो कंधो कंधो मल यार बिल्लू राणा साथ में था तो ये जीतिया युद्ध खरे उदयपुर वैसे ही बटे सर ये आप ही प्रार्थना है या धन्यवाद। अच्छा और भी मतलब अटा मूर्ति और लागे नहीं करनी कही मूर्ति ऊपर है मेल सब करनी और करनी मूर्ति लागे मूर्ति करनी लागे मूर्ति अपनी ये चाह रहे हैं एक महाजन बनी है दो मूर्ति एक तो मानना पड़ता है अपनी एक भमासारी वो अगर लड़े झगड़ा पड़ी वो क्या एशियन में लगाऊ एशियन में मुन्नटी लगाओ भले ना जोड़ पे लगाओ नहीं लगाओ तो आप घरे लगाओ एक महाजन बनाई है एशियन में लगाओ नहीं तो वटेल की मूर्ति लगा ले फिर अपने क्या नाम इसका राणा छोरा के नाम से सब स्वीकृत हो रहे हैं या वो क्या करे अमर अमर सिंह जन्म स्थल महाराणा प्रताप मणि मंगला में जगह गए अपने अटेंड लगाओ चलो ये जन्म स्थल हां अलग लगाओ वो तो थे अटेंड लगाएंगे ना अटेंड ये लोग यार भोपा जी अपने समाज के थे वहां केवल माला और फूल के लिए ब्राह्मण पंडित को रखा था उसने धीरे 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 ऐसा किया कि आज अपने बाहर निकाल दिया वो वहां सेवा कर रहा है ये मानना है कि अपने इधर तो ये चाहे कोई भामाशाह हो या कोई एक्स वाई जेड इसके ये बाउंड्री है इसके अंदर दूसरे कोई मूर्ति आना तो कोई अपने को नहीं चाहिए नहीं चाहिए इससे बाहर अगर सही दिक्कत है तो बाहर लगा सकते ऊपर ऊपर लगा दिया अपने भील समाज की जो भी है जो भी संस्कृति है उनके बारे में पूरा लिखो बाकी आने वाली पीढ़ी में अपने अपने को बाहर का रास्ता दिखाएंगे ये लोग और यहाँ पर कब्जा करके वो प्राथमिकता ले लेंगे ठीक है ट्रस्ट अपना पूरा एसटी का था हाँ। और आज ट्रस्ट में देखो कौन पूरा चेंज हो गया अपने को एक ही नेता हां ये है देखो रिश्ता लेने भी अपने दिन समाज को मुश्किल में छूट की बात ऐसे मतलब भविष्य के लिए भविष्य की बात आप तो इसलिए शुरू से ये बीमारी पालो ही मत क्या इनका वो कहने तुम मेरे को तो वो पूरा वो बोवनी से भी सीख आ गई इनको क्या कि इनके मानने का इनका रिश्ता नहीं चाहिए चीजें शुरू करो ताकि आने वाले समय में ये अच्छा पर्यटक स्थल बन सके बिल्कुल अपने पिता सर बने आप केशव भाई हां जनते और वन्य बाद में और कई नहीं होते ये मेड़ो वेड़ो लाग तो खेलकूद में हमारी ड्यूटी रहती तो ऑटो में पहाड़ चढ़ाई वगैरह तो ये दीवार वीवार बनी काफी कुछ काम हुआ काफी हुआ परंतु इसको और आगे बढ़ाने के लिए अपने को इससे संबंधित ही कोई काम करे पूंजा से संबंधित क्योंकि बाकी इसमें कोई दूसरा कोई कोई किसी भी तरह का कोई पात्र इसमें इसमें नहीं जोड़े इसके अलावा मैं पूरे प्रदेश कार्यकारिणी को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो अफवाह समाज अपने इतिहास को लेकर फैलाई जा रही है अन्य समाज द्वारा मैं नाम नहीं ले रहा हूं अन्य समाज द्वारा बताया जा रहा है कि अपने राणा पुंजा के लिए वो राणा पुंजा भील समाज के नहीं है राजपूत समाज के हैं और सोलंकी हैं ये बताया जा रहा है इसको लेकर अपना समाज क्या कदम उठा रहा है मतलब क्या अपन को अपना जो मेवाड़ में जो मेवाड़ प्रतीक चिन्ह है उसमें एक तरफ महाराणा प्रताप है और एक तरफ राणा पुंजा है
बिलू राणा है, बिलू राणा है। तो अगर हमें पूरी अगर देखा जाए तो आधा जो मेवाड़ पर है पूरा अपना भील समाज का हक है। तो अभी हमारे समाज मतलब किस तरह की कुछ कर रहा है, क्या जो राज दरबार है उदयपुर उनसे कुछ हमारी कुछ चर्चा चल रही है या कुछ आगे कुछ प्लानिंग है ऐसा कुछ करने की? ये उदयपुर वाले थोड़ा सा हो सकता है कि जानकारी में हो तो आप थोड़ा, या फिर नहीं तो आप थोड़ा सिटी पैलेस में संपर्क करके, क्योंकि अभी 2021 करके और उनका क्या मतलब उनकी ओपिनियन क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो अपने इस मामले में क्या चाहते हैं, वो सारी जो ये बहुत बोल रहे ना राणा पूंजा सोलंकी थे वो वास्तविक राजपूत नहीं। पहली बात मैं आपको, ठीक है, हम मेवाड़ अपने उदयपुर जो राज दरबार है उनसे हम समय लेके इस बारे में चर्चा करने की अगर वो उनके मुंह से कहते हैं क्या। अभी अभी जो हम उनसे लक्ष्मण जी समय ले रहे और उनसे समय लेके उनसे पूछेंगे भाई, और हमने एक बार बात भी की थी मीडिया पर, मीडिया के थ्रू उन्होंने कहा था कि बिल जो अपने राणा पूंजा बिल जो है वो ध्वजा लगाया था ना, तो तब हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई राणा पूंजा बिल ही था और बिल ही लगा और वहाँ पे ध्वज मैं आके लगाऊंगा। लक्ष्मण जी ने ये सब अच्छी बात है तो उनको ये जो बोल रहे हैं ना वो अच्छी बात नहीं है। उनसे हम हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा उनसे मिलके और इस बारे में हम उनसे मीडिया के थ्रू कमिटमेंट करवाएंगे भाई राणा पूंजा वास्तविक पीली था, ये हमारी प्लानिंग चल रही है। एक हमारा कोई पुराना कोई इतिहास मिले जो प्रूव कर सके ऐसा मतलब कोई जानकारी में ले या कहीं से मंगावे, क्योंकि कई सारी चीजें हमारी गायब हो चुकी है। हमारे इतिहास को काफी कुछ तोड़ा मरोड़ा भी गया और उसको दबाया गया, काफी कुछ चेंज कर दिया और उसकी वजह से वो प्रूफ देते हैं, तो हमारे लिए प्रूफ के तौर पर कुछ हमारा कोई वास्तविक जो तथ्यात्मक बात है वो हमारे सामने रखे और हम सब लोग भी उस पर थोड़ा ध्यान दें तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। बाकी बिना तथ्य के कोई जानकारी हम लोगों को जैसे कहा जा रहा है वैसा हम लोग मानते जा रहे हैं, दूसरे लोग भी यही मानते हैं तो हाँ भाई ये बात सही होगी, क्योंकि हमारे पास में तथ्य नहीं है। जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे अपने समाज के अंदर ही उसमें स्टैंडर्ड आ जाता है तो वो अपने समाज से वैसे कट जाता है, इसी तरह बिल्लू राणा पूंजा वो बिली था लेकिन वो एक दरबार था वहाँ का राजा था, तो उसके अंदर भी एक ऐसी मतलब भावना पैदा होगी मैं यहाँ राजा हूँ, तो राजा होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि राजा राजाओं से संपर्क रखा। गोत्र सोलंकी थी, आज भी गोत्र सोलंकी वहाँ पांडरवा के अंदर मौजूद है, लेकिन वो क्या उसने बिल्लू राणा पूंजा ने अपना संपर्क जो है वो राजा महाराज यानी बड़े घरानों से रखा उसने। बड़े घरानों से नहीं, बड़े घरानों से रखने से ये मेरे को सूचना मिली कि बड़े घरानों से संबंध रखने से उनकी विवाह शादी उनमें होने लग गए, इसीलिए ये चक्कर पड़ रहा है। विवाह शादी तो वे लोग आज के जब उनकी शादी किससे हुई? चौधरी से, गुजरात का चौधरी है, मीना से हुई, ओरिजिनल मीना से हुई, मीना से हुई, चौधरी से नहीं नहीं, मतलब बाद में वो पत्नी तो उनकी कहलाई बाद में वो सही है। जो जो फोटो में बताते ना ये बताते के साथ अलग ही है ना, नहीं है क्या, इसलिए अपन को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए और अपना अपना इतिहास को प्रकार रखेंगे अपन, ऐसी अपन भावना। उसमें सांप सांप है गुरुदेव, पैर में कड़ा है, हाथ में कड़ा है, गले में छाकी है और वो सब कुछ अपने फिर एक ही कमेंट महाराणा प्रताप इस प्रकार, महाराणा प्रताप की वेशभूषा इस प्रकार है, वो भी राजपूत है, अगर ये राजपूत होता तो इनकी वेशभूषा इस प्रकार कैसे पैदा हुआ, ये अंदर कैसे हुआ, उसके उसके अंदर मतलब एक तरफ तो वहाँ जो बूट सूट उसमें बैठा हुआ और एक और कदमों में बैठा रखा दूसरी तरफ वो यूज कमेंट करो भैया। तीन साल तक दो साल तक निवेदन है कि ये जो है ये झाड़ी वाड़ी अपना इतिहास लिखा हुआ है
इसको आगे कोई लोग देख सके पढ़ सके तो नरेगा लगाकर इसको सीधा करके ताकि कोई फोटो खींचना चाहे वो करना चाहे तो भी थोड़ा ठीक है। ये कल तक ही हो जाए तो बहुत बढ़िया, मैं तो आज की कहता हूँ, कल किसी ने देखा नहीं है पर कल तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ी सफाई करवा लें। दूसरा बिल्कुल मनाने आए थे यहाँ 2008 के अंदर, उस समय तखत मलजी वाले ठाकरे थे और आपके समाज अपने बिल समाज के एक भी नहीं आदमी नहीं आया था। तो इनसे हमने वो सुई धागा मांगा, इनके पास इनको भी इनके पास नहीं मिला। फिर हमने इन्होंने इनको भेजा फूल लेके आओ, वापस जाके वो सुई लेके आओ। फिर इन्होंने हमने वहाँ दुई वो माला बनाई वो सुई धागे से, और फिर हमने फूल इनके कुएं से लिए और फिर हमने वो माला बना के, फिर हमने कम से पांच जने थे, मैं और गुलाब जी और पांच जने थे, पांच हजार थे। हाँ, तो वो वहाँ आके हम जाले जम रहे थे, सब उठा उठा के हमने वो पुरानी माला इनको पहने की। तो फिर बाद में दगमल जी भी आए थे साथ साथ, ये भी आए, इन्होंने भी देखा कि हाँ भाई चलो यहाँ फूल होना चाहिए। बनी थे उस समय ये कई फ्री होटे नहीं, आठवीं बात हाँ समूह पहुँच हो जाए। एक अध्यक्ष साहब है, यो भी कहना भाई सरपंच भी है ना, चोकला अध्यक्ष भी है, बट ऊपर भी मूर्ति रो कहीं करवावे, अपर कुछ अनावरण करावे। हां तो ठीक है, अरे ये अलग अपर सर अपर आदमी ने यार ये नहीं करे कौन करे। हां नहीं नहीं सही, ये लोग चाल चल के भाई कर्म का टीचर नहीं है, वो कभी हमें समय हो। अरे आ जाओ। राणा पुंज आदिवासी युवा जागृति संस्थान मेवाड़ हल्दीघाटी की ओर से सभी प्रदेशवासी एवं देशवासियों को हमारे राणा पुंज स्मारक स्वागत अभिनंदन है।